विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत वीडियो में हम आय की संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे और आय की संकल्पना के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि महत्तम लाभ कमाने के हेतु से आय की संकल्पना का ख्याल अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अगर पूंजीवादी बाजार की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर महत्तम लाभ कमाना ये संस्था का या इकाई का उद्देश्य होता है, इसलिए आय की संकल्पना का यहाँ महत्व बढ़ जाता है। पीढ़ी की कुल आय उसके कुल खर्च से अधिक हो तो उसे पीढ़ी का लाभ प्राप्त होता है, और यदि पीढ़ी के निर्णय से पीढ़ी की कुल आय उसके कुल खर्च से कम हो जाए तो ऐसे में हानि का सामना करना पड़ता है। किंतु लाभ के विश्लेषण में कुल आय की सापेक्ष कुल आय की अपेक्षा औसत आय और सीमांत आय का ख्याल भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वप्रथम कुल आय, औसत आय और सीमांत आय को हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कुल आय। कुल आय के बारे में समझें तो पीढ़ी की उत्पादित इकाइयों को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं कुल आय, अथवा उसे कहते हैं रेवेन्यू, इंग्लिश में शब्द है। तो इसके लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला है, कुल आय बराबर बिक्री गुणे वस्तु की कीमत। अब यहाँ पर कुल आय को बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, TR इज इक्वल टू बिक्री की क्वांटिटी जो है संख्या इकाई की, तो क्वांटिटी यानी क्यू, और उसकी प्राइस जो लेंगे उसको हम पी बोलेंगे, तो क्यू इंटू पी इज इक्वल टू TR। उदाहरण के रूप में हमने 100 इकाई का विक्रय किया, एक इकाई का भाव 5 रुपया है, तो इस तरह से कुल मिला करके यहाँ पर 5000 इकाई यहाँ बोला गया, तो यहाँ अपने यहाँ 1000 ले लेते हैं इसके अंदर इस तरह से। तो अगर हम 1000 इकाई को बिक्री करें और 5 के भाव से, तो 5000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू हो जाएगा, TR हो जाएगा। तो सूत्र की अपेक्षा भी हम ऐसा गिन सकते हैं। अब आता है औसत आय। औसत आय बराबर होता है कुल आय बटे में बिक्री। तो यहाँ पर देखिए औसत आय, एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं इसको, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल आय यानी टोटल रिवेन्यू TR अपॉन बिक्री यानी क्यू क्वांटिटी। अब इसमें जैसे उदाहरण लिया हमने कि 50000 इकाई हमको मान लो हमको आवक हुई, 50000 की आवक हुई और हमने 1000 इकाई बेचा, तो इसका मतलब कि एवरेज कितना हुआ, 50 रुपया। तो ये 50 रुपया जो है ये एवरेज रिवेन्यू माना जाएगा। तो इस तरह से औसत आय हुआ। अब आगे देखते हैं, औसत आय के बाद है सीमांत आय। सीमांत आय में है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से होने वाली आय को सीमांत आय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सिंपल उदाहरण है कि जैसे मान लो 1000 इकाई को बेचा गया और उसको बेचने से आई हुई 50000। अब अगर 1000 एक इकाई यानी एक इकाई बढ़ा दी जाए, अगर 1000 एक इकाई को बेच दिया जाए तो फिर अगर आवक हो जाती है 50045 रुपया हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत आय को कितना गिनेंगे हम, 45 रुपये। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आवक में वृद्धि हुई वही सीमांत आय गिना जाएगा। तो सीमांत आय माना जाएगा यहाँ पर कितना, 45 रुपये। अब इसके लिए सूत्र भी है, तो इसके लिए जैसे बोलते हैं कि मार्जिनल या मार्जिन रिवेन्यू, MRN इज इक्वल टू RN माइनस RN माइनस 1। इसको समझाएंगे तो MR का मतलब हुआ सीमांत आय, जिसको हम कहेंगे मार्जिन रिवेन्यू। उसके बाद N है बिक्री की इकाई है, RN बराबर हुआ N इकाई की बिक्री से आवक जो प्राप्त हुई, रिवेन्यू प्राप्त हुई, और RN माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इकाई की बिक्री से आए, एक इकाई के जो है अतिरिक्त जो आवक प्राप्त हुई वो। इस तरह से आपने देखा कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। अब आगे समझते हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट है कि पूर्ण स्पर्धा का बाजार है तो उसके अंदर कुल आय, सीमांत आय और औसत आय कैसे समझा जाए।
तो आपको समझना है कि पूर्ण स्पर्धा के बाजार के अंदर यहाँ पर एक रूप या एक जैसी समान गुण वाली वस्तु का विक्रय किया जाता है और यहाँ पर विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह क्रेता की संख्या भी ज़्यादा होती है, यानी बेचने वाला और खरीदने वाला यहाँ अधिक होते हैं। और यहाँ पर बाजार की परिस्थिति का ज्ञान भी होता है दोनों पक्षों को, खरीदने वाले को भी ज्ञान होता है, बेचने वाले को भी ज्ञान होता है। तो कीमत यहाँ पर मांग और पूर्ति की वजह से निश्चित होती है। तो अब जो कीमत एक बार निश्चित हो गई उसमें परिवर्तन होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मांग और कीमत, जो हमने कीमत निर्धारण के आगे वीडियो में टॉपिक देखा है, तो कीमत निर्धारण एक बार हो जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है फिर, क्योंकि अब उससे कम में उत्पादक को नुकसान होगा और उससे अधिक में ग्राहक को नुकसान होगा। तो जो कीमत एक बार फिक्स हो गई वो परमानेंट कीमत हो जाती है, अस्थाई कीमत हो जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ की बाजार की परिस्थिति का ज्ञान दोनों पक्षों को होता है, इसलिए कीमत की झंझट यहाँ नहीं रहती है। अब क्या होता है कि जो मांग और पूर्ति की वजह से कीमत निर्धारण हुई वह कीमत दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं, क्रेता भी स्वीकार करता है उसको और विक्रेता भी स्वीकार करता है जो भी कीमत निश्चित होगी वो कीमत को। अब अगर विक्रेता को अधिक गाय बेचना हो तो अब उसे कीमत घटाना पड़ता नहीं है, क्यों? कि कीमत अस्थाई हो गई है। तो अस्थाई कीमत हो जाने पर अब उसे कीमत घटाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से बेचे जाने वाली वस्तु की कीमत बराबर, यानी इसको बोलते हैं पी बराबर औसत आय और बराबर सीमांत आय, ये तीनों आपको बराबर दिखेंगे, यानी वस्तु की कीमत बराबर दिखेगी, औसत आय बराबर रहेगा और सीमांत आय बराबर रहेगा। इसको हम सारणी की मदद से समझते हैं। ये देखिए वस्तु की इकाइयाँ हैं एक से लेकर छः तक, प्रति इकाई कीमत है, यहाँ देखिए कीमत हमने बताया स्थिर है, तो देखिए सब में कीमत 20 रुपये है। और अब कुल आय तो बढ़ेगी क्योंकि इकाई बढ़ रही है, तो 1 पर 20 यानी 20, 2 पर 20 यानी 40, 3 पर 20 यानी 60, 4 पर 20 यानी 80, 5 पर 20 का 100 और 6 पर 20 यानी 120। तो ये कुल आय जो है उत्पादन की इकाई बढ़ाने की वजह से जो कुल आय बढ़ी। और अब आता है औसत आय, आपको देखा कि औसत आय भी समान रहने वाली है, तो औसत आय देखिए समान रहेगी, यहाँ पर 20 है औसत आय, तो यहाँ पर जैसे आप गिनेंगे तो 1 और ये 20 है, तो 20 में 1 भाग 20 आएगा, 40 है 2 का भाग 2 20 आएगा, 60 है 3 का भाग 2 20 आएगा, 80 है 4 का भाग 2 20 आएगा, 100 है 5 का भाग 2 20 आएगा, 120 है 6 का भाग 2 20 आएगा। तो ये भी देखिए स्थिर है, पी स्थिर है, फिर उसके बाद औसत आय स्थिर है, ये देखिए कीमत स्थिर है, औसत आय स्थिर है और सीमांत आय भी स्थिर रहेगी। तो सीमांत आय भी देखिए यहाँ पर पहले में कितना है 20 है, दूसरे में 40 और 20 का अंतर 20, तीसरे में 60 और 40 का अंतर 20, 80 और 60 का अंतर 20, 100 और 80 का अंतर 20, 120 और 100 का अंतर 20। तो आपको यहाँ पर औसत आय, सीमांत आय और कीमत देखिए तीनों 20-20 रुपये हैं। तो इस तरह से आपको ये अनुसूची के अंदर समझा सकते हैं आप। अब इसी को हम जो रेखा के आधार पर समझाएंगे आलेख रेखा बना करके। तो यहाँ देखिए हमने कीमत दर्शाया है वाई पर और वस्तु की इकाई दर्शाया है यहाँ पर एक्स पर। तो इस तरह से हमने एक्स पर जो है कीमत दर्शाया है और वाई पर दर्शाया है वस्तु की इकाइयाँ। तो यहाँ आप देख पाएंगे इसके अंदर कि इसके अंदर जो यहाँ पर सबसे पहले तो कुल आय रेखा, कुल आय देखिए बढ़ते क्रम में 20, 40, 60, 80 बढ़ते क्रम में है, तो देखिए 20 है, उसके बाद 40 हुआ, फिर उसके बाद 60 हुआ, इस तरह बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते क्रम में आएगा। तो इसलिए ये रेखा जो है ये धन ढाल वाली बनेगी और इसको हम कुल आय रेखा कहेंगे। और इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं TR, टोटल रिवेन्यू। तो ये एक रेखा बनेगी, उसके बाद एक दूसरी रेखा बनेगी जो रेखा बनेगी कीमत की। तो यहाँ देखिए कीमत कैसी है, स्थिर है, तो देखिए 20 रुपये कीमत स्थिर है, तो एक सीधी रेखा बन गई। तो यहाँ पर जो है कीमत आ गया P।
फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर औसत आय AR क्या है, ये भी फिक्स है 20, ये देखिए 20 है तो AR रेखा बन गई, AR भी बराबर हुआ, AR बराबर P हो गया। फिर उसके बाद सीमांत आय MR ये भी 20 है, देखिए भी 20, यानी ये जो रेखा बनेगी X अक्ष के समांतर ये स्थिर है, इस वजह से में तीन रेखाएं बनेंगी, एक AR रेखा बनेगी, AR रेखा का मतलब आप समझेंगे औसत आय की रेखा, MR का मतलब समझेंगे सीमांत आय की रेखा, और P का मतलब समझेंगे कीमत की रेखा। तो ये औसत आय, सीमांत आय और कीमत, ये तीनों रेखा जो है एक ही रेखा पर बनेगी और वो X के समांतर होगी, क्योंकि यहाँ पर आवक कैसी है, कीमत और औसत आय और सीमांत आय स्थिर है, केवल यहाँ पर जो कुल आय की रेखा है ये रेखा जो है ये धन ढाल वाली और इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई मिलेगी। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब एक इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं और अंतिम पॉइंट अपना है पूर्ण स्पर्धा के अतिरिक्त। अभी हमने जो देखा वो था स्पर्धा वाला बाजार था, संपूर्ण स्पर्धा वाला, ये संपूर्ण स्पर्धा के अतिरिक्त बाजार, ध्यान रखिएगा अतिरिक्त शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, तो संपूर्ण स्पर्धा के अतिरिक्त का बाजार है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कुल आय, सीमांत आय और औसत आय के बारे में। इसके बारे में जाने पहले कि इस बाजार में क्या क्या आता है, इसमें एकाधिकार आता है, फिर एकाधिकार युक्त स्पर्धा आती है, अल्पहस्तक स्पर्धा आती है, एकाधिकार द्विहस्तक आता है, फिर एकाधिकार इत्यादि, ये सब जो हैं इस बाजार के अंदर इनका समावेश किया जाता है। यहाँ पर उत्पादक को अगर अधिक वस्तु बेचना है तो उसको बिक्री के लिए कीमत घटाना पड़ता है। अब देखिए इसके पहले संपूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कीमत पूर्ति और मांग से निर्धारित हो गई तो वहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कीमत में परिवर्तन हो रहा है, क्यों, क्योंकि बिक्री बढ़ाना है तो कीमत घटाना पड़ेगा, तो इस तरह से यहाँ कीमत में परिवर्तन होता है। दूसरा कि बिक्री में बढ़ोतरी होने से पीढ़ी का कुल आय घटते दर पे बढ़ता है, बढ़ता तो है क्योंकि कीमत घट रही है तो घटते दर से बढ़ता है, इसके परिणाम स्वरूप औसत आय और सीमांत आय में अंतर दिखाई पड़ता है, दोनों अलग अलग रहते, जैसे हमने देखा इसके पहले में औसत आय सीमांत आय एक ही रेखा पर आ गए थे, लेकिन यहाँ दो रेखाएं बनेगी, औसत आय की अलग बनेगी, सीमांत आय की रेखा अलग बनेगी। फिर कीमत घटने से औसत आय रेखा, वो जो मांग रेखा जिसको हम कह सकते हो, वो नीचे की ओर झुकी होगी, ऊपर से नीचे की ओर, और बिक्री बढ़ने से कीमत घटाना अनिवार्य होने से सीमांत आय भी क्या होगा, घटेगा। अब इसको सारणी में देखिए, सारणी के अंदर वस्तु की इकाइयां हमने 6 लिया, फिर कीमत लिया प्राइस पी, तो यहाँ देखिए एक इकाई पर 20 भाव था, जब दो इकाई बेचना हुआ तो कीमत घटा दिया 19 कर दिया, तीन इकाई बेचना हुआ तो कीमत घटा के 18 कर दिया, चार इकाई बेचना हुआ तो कीमत घटा के 17, यानी कि जैसे जैसे बिक्री बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत घटती गई। अब उसी तरह से कुल आवक है तो यहाँ पर गुणा करेंगे 20, यहाँ पर जो है 2 का 19 में 38, यहाँ 3 का 18 में 54, 4 का 17 में 68, 5 का 16 में 80, 6 का 15 में 90, तो इस तरह से ये भी जो है आपको दिखेगा कि कुल आवक रेखा भी जो है ये बढ़ी तो है लेकिन धीमी गति से बढ़ेगी। फिर औसत आय में क्या होगा, अब औसत आय के अंदर देखिए 20 में 1 का भाग दिए तो 20, 38 में 2 का भाग दिए तो 19, 54 में 3 का भाग दिए तो 18, 68 में 4 का दिए तो 17, और उसके बाद 80 में 5 का दिए तो 16, और इस तरह से 90 में 6 दिए तो 15। तो देखिए जो प्रति इकाई कीमत हमने रखा था वही हमारे औसत आय में भी यहाँ पर प्राप्त हो गई। और अब उसके बाद सीमांत में, सीमांत में पहले तो 20 ही रहेगा, उसके बाद देखिए 38, तो 38 में 20 का अंतर 18 हुआ, फिर 54 में 38 में घटाएंगे तो 16 हुआ, 68 में 54 घटाएंगे 14 हुआ, 80 में 18 12 हुआ, 90 में 80 घटाएंगे 10 हुआ। तो इस तरह से ये सीमांत आय की रेखा या सीमांत आय की सारणी बनी। तो आपने देखा इसके अंदर कि हमने कुल आवक, औसत आवक और सीमांत आवक को यहाँ पर दर्शाया। अब हम इसमें से
दो रेखा बनाएंगे, औसत आय की रेखा कैसे बनेगी और सीमांत आय की रेखा बनेगी। तो आप जब दोनों रेखाएं बनाएंगे तो यहाँ देखिए ये जो बनेगी पहली रेखा, ये रेखा बनेगी ए आर, इसको कहेंगे, जिसको कहेंगे औसत आय रेखा। तो औसत आय रेखा ये ऊपर के भाग में रहेगी और ये भी ऋण ढाल में रहेगी। और उसी तरह से जो दूसरी रेखा बनेगी एम आर रेखा बनेगी यानी सीमांत आय रेखा, वो औसत आय रेखा से नीचे रहेगी। तो ये दोनों में अंतर आ गया। देखिए इसके पहले वाले में दोनों एक ही रेखा पर बनी, लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर हो गया। तो अंतर होने की वजह से यहाँ पर औसत आय रेखा ऊपर बनेगी और जो सीमांत आय रेखा है वो उसके नीचे बनेगी, ढाल दोनों का एक जैसा ही रहेगा। तो इस तरह का आप रेखा, आप चाहे तो कीमत लेके बता दें, चाहे आप डायरेक्ट इस तरह से आलेख रेखा बना के सीधा सीधा बता सकते हैं। आपको यहाँ कीमत नहीं बताना हो तो आप सीधा इसको बता सकते, दर्शा सकते हैं कि ए आर रेखा ऊपर बता दीजिए और एम आर रेखा नीचे बता दीजिए, ढाल इस तरह से बता दीजिए, एक्स और वाई बन करके, इसको एक्स बताइए और इसको वाई बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से आपका ये आय की संकल्पनाएँ यहाँ पूरा होता है। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2 समझेंगे और उसको हल करेंगे। नमस्कार।